इसका आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और आधा कप आटा। इसमें हम अभी ऐड करेंगे नटमेग, ये देखिए थोड़ा सा हमें बस रख देना है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। टर्मरिक पाउडर डालने से इसका एक बहुत ही बढ़िया कलर बन के आता है डव का। इनिशियली मैं यहाँ इसमें प्रेफर करती हूँ रॉ टर्मरिक डालने के लिए, बट आज मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हम घी ऐड नहीं करेंगे, ये जो रेसिपी है उसमें ऑयल से ही हम बनाते हैं। तो चलिए इसका अभी फाइन सा एक आटा लगा लेते हैं। ये बनके तैयार है, मैंने ऊपर से अच्छे से इसको ऑयल लगा दिया है। इसको अभी मैं ढक के आधा घंटे के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम फिर स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दाल अच्छे से पक के रेडी हो गया है। इसको लोग क्या करते हैं, इसको पानी निकाल के ग्राइंडर में इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं, बट मैं इसको पेस्ट नहीं बनाती हूँ। उसको आपको खाली छन्नी में निकाल दीजिए, निकालने के बाद ये जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब हम इसका स्टफिंग रेडी करते हैं। इसको अभी पूरा आप अच्छे से इसमें छान लीजिए ताकि ये अच्छे से पूरा ड्राई हो जाए और इसका एक्सेस वाटर निकल जाए, फिर हम बनाते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल। मैंने यहाँ पे पाउडर और दोनों जैगरी लिया है, पाउडर जैगरी है, जो भी आपके पास जैगरी अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नटमेग को हम इसे ग्रेट करके डालेंगे, मैंने एक पूरा नटमेग लिया है। नटमेग की थोड़ी खुशबू अच्छी आती है इसमें, कुछ साबुत भी हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे, यहाँ पे गिर गया था घी की वजह से थोड़ा ये बार बार खिसक जा रहा है हाथ से। और इसको भी अच्छे से हम, जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है और इसमें ये बढ़िया से फ्राई नहीं हो जाता है तब तक इसको हम पकाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे चने दाल को बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं किया है, इसमें साबुत साबुत आप दाना देख सकते हैं। और जब आप खाते टाइम स्टफिंग में ये बहुत ही बढ़िया इसका एक क्रंची सा टेस्ट आता है बनके, ये कितना ही बढ़िया कलर आया है इसका देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद इसको पूरा ठंडा करके फिर हम इसकी पोली बनाएंगे। देखिए कितना ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है और देखिए आटा एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। स्टफिंग का आप कलर देख ही सकते हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और घी में इतनी बढ़िया से ये फ्राई हो गया है। इसको अभी हम ठंडा करेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है। ठंडा होने के बाद हम इसका स्टफिंग देके पूरन पोली बनाएंगे। सब रेडी है यहाँ पे, देखिए स्टफिंग भी हमारा ठंडा हो गया है। यहाँ पे मैंने मैदा और आटा लिया है डस्टिंग के लिए, इसमें पराठा बेलने के लिए। और अभी चलिए इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना के इसको अच्छे से अभी बनाते हैं। इसको भी सेक लेते हैं, इसको भी हम पलटते हैं। घी से ही सेकूंगी क्योंकि मुझे घी थोड़ा ज़्यादा पसंद है। अगर आपको तेल से सेकना है तो आप इसको तेल से भी सेक सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए तेल या घी। देखिए कितना बढ़िया से सिक रहा है यहाँ पे। इनके तैयार है, चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितना ही बढ़िया हमारा पूरन पोली बन के रेडी हुआ है, अंदर स्टफिंग आप देख ही सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले बार एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग निकी का खाना खजाना। बाय बाय। श्रेयन टेस्ट करके बताओ कैसा बना है बेटा, एकदम अच्छे से फीडबैक देना, गलत वाला मत देना। अच्छा है, आपको पसंद आया? चलो देन, थैंक यू।